नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ की क्रिकेटर तान्या भाटिया और हरलीन कौर का टीम इंडिया में चयन। पीयू छात्र संघ चुनाव में सनसनीखेज वारदात, प्रत्याशी के करीबी का युवकों ने किया अपहरण। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, इनेलो के चार पूर्व विधायक जेजेपी में शामिल हुए। दो दिन पहले चारों पूर्व विधायकों ने इनेलो के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 343 चालान काटे गए, इनमें से 52.32 लाख रुपए जुर्माना हुआ एकत्रित। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शुक्रवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों व घायल से मिलने बटाला पहुंचे, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। तरन तारण में बुधवार को देर रात एक धमाके में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। 2.5 साल की बच्ची ने निगला सिक्का, मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिली राहत। पहली जनवरी 2020 से सीएम जयराम नए हेलीकॉप्टर में भरेंगे उड़ान, कैबिनेट की मंजूरी मिली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। शराब पीकर बिना हेलमेट बाइक चला रहा था, पुलिस ने 11,000 का चालान काटा तो गाड़ी में आग लगा दी। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।